खुद का खर्चा खुद निकालना, तो कोई काम हो तो बताना, प्लस घर वालों को भी जवाब देना पड़ता है, तो होता है सबकी लाइफ में अलग अलग सीन होता है। तो हेलो फैमिली, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी एडिटिंग से फ्री होकर मैं बैठा ही था जस्ट, और मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया कि यार थोड़ी प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ जा, तो अभी उसके पास चलते हैं। और है ना, आज कल वाला व्लॉग जरूर देखना, देखना मत भूलना, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, तो वो जरूर देखना, बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है और आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, तो भाई को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स चलते हैं बाहर। तो रेलवे स्टेशन आया ना, उसने रेलवे स्टेशन बुलाया, देखते क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ये है ब्यावर का रेलवे स्टेशन, आपने पिछले वाले व्लॉग में तो देखा ही होगा मेरा, बट उस टाइम रात थी, आज दिन है। ये रहा देखो, टोपी पहन के बैठा है साला। प्यारी समझ गई। यही है तो टिकट बुक करवा रहा है, पता नहीं कहाँ की, तो फ्री हो फिर बाहर चल के बात करता हूँ उससे। मेरे पास सारी मिल जाएगी, तो बोले जो फोन में, अभी फ़ोन में नहीं है, कद्दू के बाद मिल जाएगी फ़ोन पर। तो फ्रेंड्स अभी भाई को लेने आए हैं इसके चक्कर में, साथ में ये भी है, तो अभी देखते हैं आवे भाई फिर उसको लेकर चलते चक्कर में। आ गया सब, निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं। क्या बहुत यार, भीड़ बहुत है, प्लस गर्मी भी बहुत हो रही है, वो ऊपर से पहन के आ गया हूँ, तो इससे भी पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रेंड्स अभी हम घर आ चुके हैं, भाई को लेकर आ चुका हूँ, और ये शेरू भाई को लपक रहा है। राजेंद्र के पास गए थे, तो राजेंद्र बोल रहा था कि यार मेरे एग्जाम एग्जाम हो गए हैं, मेरे को खुद का खर्चा खुद निकालना, तो कोई काम हो तो बताना, तो बस इसलिए उसने मेरे को बुलाया था। तो अभी उसके लिए भी काम ढूंढना है, देखिए क्या है। मैंने बोला यूट्यूब पे खोल ले, तो उसने बोला कि यार यूट्यूब पे टाइम लगेगा और प्लस घर वालों को भी जवाब देना पड़ता है, तो होता है सबकी लाइफ में अलग अलग सीन होता है, तो देखते हैं उसके लिए कोई काम हो तो ट्राई करते हैं। तो अभी जिम जाएंगे और जिम जाके थोड़ा इन्जॉय करेंगे, अभी एडिटिंग पर फिर बैठना, थोड़ी बहुत एडिटिंग बाकी रह गई थी, तो एडिटिंग करके देखते हैं क्या सीन बैठता है। तो फ्रेंड्स तैयार हो चुका हूँ मैं, और अभी जिम जाते हैं, जिम के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं जिम से आ चुका हूँ और नहा के भी तैयार हो गया हूँ, तो अभी सचिन का कॉल आया था, तो उसके पास चलते हैं, उसको फ्रेम बनवानी थी कल, उसकी आँखों का चेकअप हुआ था, तो उसके चश्मा लगेगा, तो अभी वो चश्मा बनवाने चलते हैं। सामने ऑप्शन रख दिए गए हैं, सेलेक्ट कर रही है वो ना हल्का सा फ्रेम सेट करता, इधर देखियो अच्छा लग रहा है ये गोल्डन देख। तेरे को तो स्कूल के लिए चाहिए ना, अपनी फ्रेम पसंद कर ली है। देखते हैं कहीं बैठ।
चाय वाला और ये है तंदूरी चाय वाला। इसकी फ़ैन फॉलोइंग कम है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी है, लेकिन चाय इसकी भी अच्छी है उसकी भी अच्छी है। तो कुर्सी यहाँ खाली थी इसलिए हम यहाँ आ गए। क्या गिर गया? मेरा नोट यहाँ से निकला था, नोट पहले ये मशीन नहीं थी, यहाँ से आता था पैसा, तो वो नोट निकाला फ़ोन बचाने से नोट यहाँ गिर गया। फिर मैं ऐसा कर रहा था, एक आदमी वो बैंक में आया, क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं, मेरा पैसा गिर गया वो कर रहा, उसको लगा मैं चोर। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ घर पे और जो सचिन ने फ्रेम डिसाइड करी थी वो हमने कुछ शॉपकीपर को देके आ गए हैं, तो वो कल तक उसे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग के अंदर एक बात नोटिस करने को मिली है, शायद आपने नोटिस करी या नहीं करी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा फ्रेंड 25 साल का है, तो उसने पढ़ाई करने के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम के पीछे गया था, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम लगा रहा था, तो उसने अपना पूरा एम सीधा रख रखा था कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन चाहिए। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको, आप मेहनत करोगे तो मिल जाएगी, क्योंकि एक लक्ष्य होता है तो मिल जाता है। तो मेरे फ्रेंड ने भी एग्जाम दे है, बहुत एग्जाम दिए थे, तो अभी इसने रेलवे का भी एग्जाम दिया है, तो आई होप कि इसमें ये सक्सेस हो जाए, आप लोग भी सक्सेस हो जाओगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात है कि आप कब तक गवर्नमेंट जॉब के पीछे रहोगे? हाँ रो, लेकिन फ्रेंड्स उसमें बहुत कम चांसेस है, अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया, हर चीज में कंपटीशन बहुत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करोगे ना तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में आप सफल नहीं हो पाते हो तो फ्रेंड्स आपकी स्किल्स आपको कमा के दे सकती है। मेरे को ले लो, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत भागा हूँ, मैंने ऐसा ही एग्जाम दिया लेकिन फेल हो गया, कुछ नहीं रहा, तो स्किल्स मेरी अच्छी खासी थी तो उसको इंक्रीज करा मैंने, एडिटिंग की स्किल्स को इंक्रीज करा, तो एडिटिंग से आज मैं 2 पैसे कमा लेता हूँ, यूट्यूब से नहीं। ब्लॉगिंग तो अभी मैंने स्टार्ट करी तो अभी इस पर पैसे मोनेटाइज हुआ ही नहीं होगा जब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके अलावा मेरे को जैसे ना प्रोजेक्ट आ जाते हैं कभी कभार कि ना आज मेरी वीडियो एडिट कर दो, आयुर्वेदा की वीडियो होगी, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो वीडियोज हो जाते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्किल्स इंक्रीज करो, आप जॉब के भरोसे मत बैठो, क्योंकि जॉब मिलेगी जब मिलेगी आप वो भी करते जाओ, लेकिन अपनी स्किल्स इंक्रीज हो जाएगी ना तो इन फ्यूचर कभी भगवान ना करे ऐसा हो आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपकी स्किल्स आपको उससे ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है, क्योंकि अभी मैंने जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे ना सब अपनी स्किल्स के थ्रू पहुंच चुके हैं हाई लेवल पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं मैंने भी अपनी स्किल्स इंक्रीज करी, आप लोग भी करो ताकि आप कभी बेरोजगार ना बैठ सको, 2 पैसे हाथ में आए, मम्मी पापा भी खुश हो जाए, आपका फ्यूचर भी सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।